पूर्णिया के परमंडलीय आयुक्त कार्यालय में गहमा गहमी है। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव को लेकर नामांकन का सिलसिला जारी है। जेडीयू प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले संजीव कुमार 3 बार लगातार MLC रह चुके हैं। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का दावा किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की समस्याओं को दूर करना, उनकी आवाज़ को सदन में उठाना उनकी पहली प्राथमिकता रही है। नामांकन के बाद कला भवन में एक जनसभा को संबोधित किया और अपना एजेंडा वोटरों के सामने रखा। इस दौरान मंत्री लेसी सिंह, पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा, कटिहार के सांसद दुलालचंद गोस्वामी और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार समेत कई विधायक और महागठबंधन के नेता मौजूद रहे। और फिर अभी 2023 सर लगातार ये चौथी पारी है, क्या प्रायोरिटी होगी आगे शिक्षकों के लिए? शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हों, सदन के माध्यम से, सत्र के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, जो भी समस्याएं हैं। एक सवाल आ रहा है कि जो ये शिक्षक निर्वाचन है आपका, तो अब चूँकि रेगुलर शिक्षक जो हैं वो मतदाता बहुत कम होते जा रहे हैं, ऐसे में संविदा शिक्षकों की भी मांग है कि उन्हें भी इस चुनाव में बचाई करने का मौका मिले, इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, संविदा शिक्षक में इसमें देखिए, मेरी जानकारी में मैं जो जान रहा हूँ इसमें संविदा शिक्षक भी अगर स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध हैं तो वो भी मतदाता हो, अगर स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध उनकी नियुक्ति हुई है और निरंतर 3 साल तक वो कार्य किए हैं शिक्षण कार्य, तो वो भी वोटर होंगे, ऐसी बात नहीं है, नहीं होंगे। सिर्फ पार्ट टाइम टीचर जो है वो वोटर नहीं होंगे, क्योंकि पार्ट टाइम टीचर मतलब वो अंशकालीन, यहाँ भी उनको कुछ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, मेहनताना मिल रहा है, कुछ दूसरी चीज़, अदरवाइज और सब बन सकते हैं। इसके बारे में निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत पहले, हमको लगता है लगभग 94 में या वर्ष 2002 में एक क्लेरिफिकेशन भी दिया था राज्य निर्वाचन आयोग में, किसी ने पूछा था क्योंकि ये संविदा पर एडहॉक गेस्ट ये सब नहीं बन सकते हैं, तो उसमें सिर्फ अंशकालीन शिक्षक को उससे अलग माना। अच्छा, पहले NDA साथ था, अब महागठबंधन के आप उम्मीदवार, ऐसे में क्या अंतर देख रहे हैं जीत को लेकर? ये चूँकि विधान परिषद से सरकार बनती और बिगड़ती नहीं, लेकिन यहाँ विशिष्ट एक कोटा बना हुआ है शिक्षक क्षेत्र से, स्नातक क्षेत्र से, तो शिक्षकों की आवाज़ विधान परिषद में उठती है और उसमें पार्टी लाइन बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन सभी पार्टियाँ अपने अपने दल से अधिकृत उम्मीदवार देते हैं। हम लोग तो शिक्षक की पार्टी के हैं, अगर शिक्षक अपने अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो मैं उसकी पार्टी का हूँ, चूँकि पार्टी लाइन एक अलग चीज़ है जहाँ पार्टी की बात होती है, लेकिन जब शिक्षकों की बात होती है तो हम लोग शिक्षक के साथ रहते हैं, सभी रहते हैं, जो शिक्षक रहना पड़ता है। तो जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 14 जिला का क्षेत्र रहते हैं, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन मतदाताओं का अगाध प्रेम और स्नेह है। अब चूँकि इलेक्शन है, अतिशयोक्ति तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी लड़ाई किन्हीं से नहीं है और उधर जो भी कैंडिडेट होंगे आपस में लड़ रहे हैं, लड़ना भी चाहिए लोकतंत्र में।